दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा संचालित होते रहे, स्वतः आपकी रिचार्जिंग होते रहे, यानी कि जीवन में आपको हमेशा समान रूप से ऊर्जा मिलती रहे, समान रूप से जोश खरोश मिलता रहे। आप हमेशा अपने आप को उत्साहित महसूस करें, उत्तेजित महसूस करें, आप हमेशा अपने आप को फिट महसूस करें, यानी कभी भी आप अपने आप को थकान आप पर हावी ना होने दें। कुछ ऐसे मैं 3 टिप्स बताऊंगा आप लोगों को कि आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये 3 टिप्स मैं आप लोगों के एक एक करके समझाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, गुरु से ज्ञान लेकर के आप लोग दक्षिणा न दो तो शोभा नहीं देता है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, मैं खुश हूँ। अतः आप लोग रिक्वेस्ट है मेरी बातों का आप लोग अमल करें। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसी कोई विधि है, ऐसी कोई खान पान है, ऐसा कोई सिस्टम्स है कि हम पूरी लाइफ ऑटोमेटिक रिचार्ज होते रहें, ऊर्जावान महसूस करते रहें, थकान हम पर हावी ना हो, अपने आप फुर्तीला महसूस करते रहें। कुछ टिप्स, कुछ तरीके आप बताओ। तो दोस्तों, मैं ही बताऊँगा, आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, पहला नंबर आता है दोस्तों, सिस्टम्स को सुधारो, यानी जो कुदरत ने जो सिस्टम बनाया है जीवन जीने के लिए, अनुशासित जीवन दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके जीवन के प्रति, लाइफ स्टाइल के प्रति यदि आपका अनुशासित जीवन नहीं है बिताओगे तो तरह तरह के आप बीमारियों के आपका शरीर घर बन जाएगा, आप एक रोगी इंसान बन जाओगे। तो फिर आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगी, एनर्जी चुस्ती फुर्ती कहाँ से मिलेगी? आप दुनिया के सुख को नहीं भोग सकते हो, भोगों को नहीं भोग सकते हैं। अगर दुनिया के भोगों को भोगने के लिए आपको हमेशा उत्साहित ऊर्जावान तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या करें, पहले नंबर दोस्तों लीवर को, दोस्तों कभी भी लीवर आपका शरीर का बैटरी काम करता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। कफ वात और पित्त अग्नि वायु ये सबको आप बैलेंस रखें, यानी ज़्यादा मात्रा में कफ बनना भी नहीं चाहिए। पित्त ज़्यादा मात्रा में नुकसान करेगा, कम होगा तो भोजन नहीं पचेगा। और वायु समझते हैं, शरीर पूरे बॉडी में वायु गमन करती है, यानी आप ऐसे खान पान ना करें कि आपके शरीर में वायु की अधिकता हो, यानी वायु अधिकता बनेगा तो आपको वात रोग, जोड़ दर्द, शरीर में जगह जगह दर्द, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, निद्रा अनिद्रा, खाने में रुचि न होने, तमाम बीमारियाँ पैदा होती है। कफ का मात्रा बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपके सीने में जलन पैदा होगी, श्वास रोग हो सकता है, दमा टीबी के मरीज बन सकते हो आप, COPD के मरीज बन सकते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल घट सकता है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? यानी आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस होना चाहिए, डाइट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इस सब पर ध्यान दें, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार आपका खान पीन रहन सहन में, उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना होगा, उसके अनुसार आपको जीवन यापन खान पीन करना होगा, समझ गए? वायु भी वही चीज़ है, कफ भी वही चीज़ है, पित्त का अधिकता बढ़ेगी तो पित्त की उल्टी चक्कर आएगा, मितली आएगा, सिर में दर्द होगा, खाने की रुचि खत्म हो जाएगी। और अगर पित्त कम भी होगा तो भोजन नहीं पचेगा, यानी जठराग्नि से पित्त का निर्माण होता है, जो हम भी खाते हैं वो पित्त ही उसको पचाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, आग जलाता है बॉडी के अंदर, पेट के अंदर में, जैसे जठराग्नि कहा जाता है, जो अन्न को पचाता है, उसको तोड़ता है, तोड़ के लिक्विड बनाता है, आते हमें सोख लेती है, बाकी जो वेस्ट ये हो नीचे चला जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कफ वात और पित्त, वायु पित्त जो कुछ भी है आप बैलेंस रखें पहले, ठीक है, इस पर ध्यान दें। दूसरा नंबर आता है दोस्तों, आप नियमित रूप से प्रतिदिन गुनगुना पानी करें और शहद डाल के पीने की कोशिश करें। दोस्तों, प्योर शहद मिल जाता है, आज भी कोई असंभव चीज़ नहीं है, मिलते हैं प्योर शहद ले लें और 2 चम्मच, 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डाल करके सुबह पी करके टहलने निकल जाएं। सुबह जल्दी जगह, शुद्ध हवाई मिलती है तो हार्ट मजबूत होता है, ब्लॉकेज साफ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह, ट्राइग्लिसराइड वगैरह फ्रेश होते हैं, खून साफ होता है, जब टॉक्सिन को या शरीर में जो विष है उनको निकाल के बाहर कर देता है,
ये बहुत ही आसान तरीका है, इजी तरीका है, बिना दवा बिल्कुल आपका नसें साफ हो जाएंगी। दूसरी है, तीसरे नंबर में आता है दोस्तों तांबे का बर्तन। आपने सुना होगा आज बहुत सारे लोग तांबे के बर्तन का यूज़ करते हैं, लेकिन महंगा थोड़ा आजकल अमीर यूज़ करते हैं, गरीब नहीं। गरीब जो सिल्वर का यूज़ करते हैं, तो सिल्वर के में खान पीन करने से यह बहुत खतरनाक रसायन छोड़ता है, हमारे शरीर में कैंसर पनपते हैं, लीवर की बीमारियाँ होती है। तो आप तांबे के बर्तन का यूज़ करें, तांबे के बर्तन में पकाए हुए खाना खाएँ और तांबे के लोटा में रात में पानी रख दें और सुबह उठ को हल्का गुनगुना करके पी जाएँ। दोस्तों तांबे के बर्तन के रखा हुआ पानी पीने से कहा गया है कि इंसान शतायु होता है, यानी 100 साल तक जीता है। इसलिए कि दोस्तों यह ब्लड प्योरीफायर काम करता है, हड्डियों में ताकत देता है, जोश जवानी बढ़ाता है, आपके अंदर ऊर्जा गजब की ऊर्जा का संचार करता है, पेट साफ रखता है, जो ब्लड में जो विष है उनको निकाल के बाहर कर देता है, विषहरण टॉक्स डिटॉक्स का काम भी करता है तांबे में रखा हुआ बर्तन का पानी पीने से। तो अब तांबे में रखा हुआ बर्तन रात को रख के ढक दें, सुबह उठ के पी लें। तो ये दोस्तों तीन चीज़ बताए, दोस्तों ये तीन चीज़ें बताया, इस तीन चीज़ का पालन करो, मेरा गारंटी है, मेरा दावा है कि आपके अंदर न ऊर्जा कभी कमी होगी, न कभी जोश खरोश की कमी होगी, और न ही आपके अंदर कभी आलस आएगा, और न ही आपको सुस्ती महसूस होगा, बिल्कुल आप चुस्त दुरुस्त अपने आप को महसूस करोगे, फिट महसूस करोगे। तो इसका आप लोग पालन करें और लाभ उठाएं। यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।